लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। आज नगर सेविका लीना गरड़ ने खारघर सेक्टर 12 में खारघर कॉलोनी फोरम के नए जनसंपर्क कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर फोरम की समन्वयक अनीता भोसले समेत तमाम पदाधिकारी और नागरिक भी मौजूद थे। नगर सेविका लीना गरड़ ने बताया कि ऐसे कार्यालय पनवेल और कामोठे समेत कई ठिकानों पर खोले जाएंगे, जहां से नागरिकों को जरूरी सेवा और सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। खारघर सेक्टर 12 में आज से खारघर कॉलोनी फोरम के नए जनसंपर्क कार्यालय का शुभारंभ हो गया। इसका उद्घाटन नगर सेविका लीना गरण के हाथों किया गया। इस कार्यालय के जरिए नागरिकों को सरकारी दस्तावेज दिलाने में मदद और जरूरी सेवा एवं सहायता प्रदान की जाएगी। यहां राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं सरकारी दस्तावेजों के पंजीकरण समेत कई ऐसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिसके लिए अक्सर नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसका शुभारंभ करते हुए नगर लीना गरण और फोरम की समन्वयक अनीता भोसले ने बताया कि ऐसे जनसंपर्क कार्यालय कामोठे, कलम्बोली और पनवेल समेत कई ठिकानों पर खोले जाएंगे। उन्होंने नागरिकों से इस कार्यालय में मिल रही सेवाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। आज आपने सेक्टर 12 के जनसंपर्क कार्यालय का ओपनिंग हुआ है, तो मैं सभी नागरिकों को ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने कोई भी समस्या या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इधर मुझे आके बताएं, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अपने जो हक है ये सुलझाने के लिए अपने कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए, इसके लिए एक अपना व्यासपीठ बनाया है। तो आप सभी खारघर फोरम के खारघर के रहवासी है, वो मुझे सहकार्य करें। आज खारघर इथे तीन ठिकाणी आपले कार्यालय ओपन झालेले आहेत। सेक्टर 11 पहिलं आपले कार्यालय होतं, नवीन कार्यालय रायन स्कूलच्या मागे चालू केलेलं आहे। आणि आज सेक्टर 12 इथे खूप गरज होती कार्यालय चालू करण्याची। आणि इथे इथला जो जनसंपर्क खूप खूप दांडगा आहे, इथे भरपूर कार्यकर्ते आहेत आणि इथे लोकांची गरज पण जास्त आहे, डिमांड जास्त आहे। कारण इथे आपल्या इथे मध्यमवर्गीय लोक राहतात आणि त्यांची गरज त्यांना छोटे छोटे कामं, जसं डोमेस्टिक सर्टिफिकेट काढून देणे, इन्कम टॅक्स सर्टिफिकेट काढून देणे आणि सिनियर सिटिझन सर्टिफिकेट असतील, पॅन कार्ड असतील, अशी जे काही त्यांना सेवा आपण माहिती सेवा केंद्राच्या माध्यमातून देणार आहोत। म्हणून इथे आपण कार्यालय चालू केलेलं आहे। इथे अनिता भोसले मॅडम हे समन्वयक असतील आणि कार्यालयाचा सर्व इथं कार्यभार ते बघतील। त्यासोबतच आपली कॉलोनी फोरम ह्यांचं कार्य संपूर्ण खारघर नोडमध्ये चालूच आहे, त्याच्यामुळे सेक्टर 21 पण आपलं नवीन कार्यालय आता आपण चालू करत आहोत आणि कामोठ्यामध्ये पण आपण नवीन कार्यालय आता चालू करणार आहोत। अशा प्रकारे संपूर्ण पनवेल महापालिका क्षेत्रामध्ये खारघर फोरम कॉलोनी फोरमचं काम चालू राहणार आहे आणि येणाऱ्या निवडणुकीत आपण बघणारच आहोत की कॉलोनी फोरम किती जास्त कार्याने जास्त मताने पुढे राहील। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।